काल की नगरी उज्जैन से दक्षिणापथ के रास्ते में पूरब से पश्चिम किसी प्रहरी की तरह खड़ा विंध्याचल ही मालवा की प्राकृतिक सीमाएं तय करता है। जाम गेट, तीन सदी पहले बना चेक पॉइंट, जिसे पार कर निमाड़ आती ये सरपीली राहें मां नर्मदा की गोद में बसी इस प्राचीन नगरी महिष्मती यानी आज के माहेश्वर तक ले जाती है, जो हजारों साल पहले है राजवंश तो हाल की सदियों तक होलकर राजाओं की राजधानी रही। पौराणिक रेवा के पवित्र तट पर सनातन संस्कृति और वैभव की गौरवशाली गाथा सुनाती ये प्राचीर माता अहिल्याबाई किले की है। कुशल प्रशासिका, न्याय, निष्ठा और ममता की मूर्ति, शिव भक्ति और सादी जीवन शैली में सिमटी मां अहिल्या के लोक कल्याणकारी कार्य सदियों बाद भी राज्य की सीमाओं से परे देश भर में बिखरे मोतियों से चमक रहे हैं। नर्मदा के चौड़े खुले पाट और मनोरम घाट का विहंगम दृश्य, जिसे किले के द्वार से उतरती सीढ़ियां और भी भव्य बनाती हैं। स्थापत्य की शानदार शैली में बना अहिल्येश्वर मंदिर और पास ही मौजूद प्राचीन राज राजेश्वर और काशी विश्वनाथ सदियों से आस्था के केंद्र हैं। मां नर्मदा की सीढ़ियों पर हाथों के इस हुनर की कहानी पीढ़ियों पुरानी है। रंग बिरंगे रेशमी धागों से होने वाली कुशल कारीगरी के इस अनूठे संगम को दुनिया जानती है। मनमोहक पैटर्न और प्रिंट की महेश्वरी साड़ियों की सुंदरता देश विदेश के लोगों और खासतौर पर पर्यटकों को लुभाती रही है। ढलती शाम के साथ बदलती छटा, जहां द्वापर कालीन बाणेश्वर शिव को जलांजलि दे आगे बढ़ती मुख्य धारा अनगिनत सुनहरी जटाओं में बटकर अस्त होते सूर्य को अर्घ दे सहस्रधारा कहलाती है। आरती के ये दीप मां नर्मदा के प्रति आस्था, श्रद्धा और कृतज्ञता के प्रतीक हैं। इनके झिलमिलाते ही घाट रंग बिरंगी रोशनी में नहा जाते हैं। विंध्य सतपुड़ा के बीच आर्य और अनार्यों की साझी कर्मभूमि रही पौराणिक निमाड़े प्रदेश की सांस्कृतिक विविधताएं लिए आज का निमाड़ है। जीवन के स्रोत सूर्य को नमस्कार करती नवग्रहों की नगरी खरगोन, जो शुरू से जिला मुख्यालय भी रही, धरती की घटनाओं पर सौर मंडल के खगोलीय पिंडों की प्रभावकारी भूमिका, यहां के नवग्रह समेत दूसरे प्राचीन मंदिरों से लोगों की अटूट आस्था को जोड़ती है। विशिष्ट संरचना वाले इस मंदिर में नीचे बने गर्भगृह की परिधि पर स्थापित नौ ग्रह और केंद्र में विराजमान सूर्य नारायण, जहां मकर संक्रांति के मौके पर उत्तरायण हुए सूर्य की प्रथम रश्मियां अभिषेक करने आती है। यहां से पास ही ये भव्य और प्राचीन मंदिर कालिका देवी का है, एक आदिकालीन शक्ति स्थल। पास ही लहराते ध्वजों वाला ये भवन सिद्ध विनायक गणपति का है, जहां कमल पर विराजे गौरी पुत्र गणेश के दिव्य दर्शन होते हैं। खरगोन से करीब 15 किलोमीटर दूर गरिमामयी अतीत की कहानियां सुनाते ये उनके मंदिर हैं। करीब 1000 साल पहले परमार कालीन और प्राचीन निर्माण शैली की यह ऐतिहासिक धरोहरें अब सुरक्षित स्मारकों में शामिल हैं। जबकि महालक्ष्मी और फूलबाई माता के प्राचीन मंदिर की लोकप्रियता आज भी है, जहां दूर दूर से लोग दर्शन और आशीर्वाद के लिए आते हैं।
एक पहाड़ी टीले पर अवस्थित शांतिनाथ जैन मंदिर। यहां स्थापित प्रतिमा आज भी दिव्यता से साक्षात्कार कराती है। सदियों से यह पवित्र स्थली बारिश और तूफान में आसपास के ग्वालों के लिए शरणस्थली रही है। नर्मदा के उत्तर चोली में विशाल सरोवर के समीप नागर शैली में बना यह आदिकालीन गौरी सोमेश्वर विशेष स्थान रखता है। कहते हैं यहां के विशाल शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने की थी। यहां कई मंदिर हैं। परिसर के पास ही प्राचीन भैरव मंदिर और पाताल भैरवी का स्थान है। एक ही पाषाण से तराश कर नृत्य मुद्रा में आशीर्वाद देते शटानंद सिद्धेश्वर गणेश भी यही हैं। निमाड़ की मिट्टी और किसान की मेहनत यहां के सफेद सोने और लाल मिर्च में दिखती है। शीतला माता और पीरान पीर के मेले के लिए मशहूर सनावत। सनावत से सटी खरगोन के रास्ते पर लाल मिर्च की मशहूर मंडी बेड़िया। अंगार सी दहकती मिर्चों का यह कारोबार लोकल टू ग्लोबल इकोनॉमी का हॉटस्पॉट है। रावरखेड़ी से गुजरती मां नर्मदा की धारा भी शांत और गंभीर सी दिखती है। यहां बाई बांह पर एक बहादुर बेटा जो तीन सदियों से चिर निद्रा में लेटा है। बाजीराव पेशवा की समाधि अब तेजी से उभरती प्रेरणा और पर्यटक स्थल है। जितने कंकर उतने शंकर। शिवपुत्री नर्मदा से निकले पत्थरों को तराश कर बने नर्मदेश्वर शिवलिंग ही बकावा की पहचान है, जिनकी मांग देश भर से आती है। पुरखों से मिली कुशलता अब बढ़ता कारोबार है। तो आइए ना मां नर्मदा की लहरों संग इतिहास को संजोए विकास यात्रा पर अग्रसर। निमाड़ में आपका स्वागत है।